Hey guys, what's up? स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड ऑफ यूरो कप। कल का मैच कौन जीता? कल का मैच जीता है, क्या था नाम? इटली। इटली ने जीता है। इटली का जहाँ पर बड़ी मुश्किल से टर्की जीती थी, पर यहाँ पर हमारे सामने जो मैच हुआ था वो मैच तो हमने बड़ा ही हमने पहले ही बता दिया था कि टर्की हारेगी मैच को, पर आप लोगों ने माना नहीं। काफी लोग हमारे कह रहे थे कि टर्की मैच जीतेगी, पर रियलिटी में टर्की भी हारी और हमारे गेम प्ले में भी टर्की हारी। आज का मैच जो हमारा खेला जा रहा है वो खेला जा रहा है वेल्स वर्सेस स्विट्जरलैंड, जो कि खेला जाएगा बाकू नाम के स्टेडियम पे। बाकू नाम का स्टेडियम जो कि अजरबैजान में है, अभी मैंने उसके बारे में पढ़ा था। और आज की जो फेवरेट टीम है वो स्विट्जरलैंड है। मुझे जो लगता है कि स्विट्जरलैंड के जो प्लेयर है, कौन स्विट्जरलैंड को हराओगे आज? मतलब आज दीपपाल के मूड पे ये है कि स्विट्जरलैंड को आज हमने हराना है, है? तेरे यार, तेरे तो सारे सिस्टम ही खराब है। ये है रेड ड्रैगन वर्सेस स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड है वो विल्स है, उसकी होम टीम है, ठीक है। वर्ल्ड क्लास मैच खेल रहे हो। ओहो 20 मिनट करो, ठीक है। कार्स रोड की जगह बी करो, बी से आएगी बाइंग रो। हाँ पीछे और ये रब, इससे एक आगे बस ये बोरस पार्क। हाँ तो हम आज का हमारा मैच है अपना और इसी के साथ बाकू के अंदर हम पहुंच चुके हैं और सामने हमारे हैं मैच देखने के लिए आए हैं बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे दर्शक। जैसे कि आप जानते हैं And I'm anticipating a really good game today. Hopefully, we won't be disappointed. तो आज का जो मैच है स्विट्जरलैंड वर्सेस वेल्स है, ड्रैगन वर्सेस स्विस है, जहां पे रेड पे खेल रही है इस आज वेल्स और क्या कहते हैं उसे, और जो वो है स्विस खेल रही है व्हाइट। ईशान शर्मा स्विट्जरलैंड में क्या कर रहा है? ईशान शर्मा भी देख लिया इन्होंने, वाह मुख्यमंत्री साहब ने। अरे यहाँ ईशान शर्मा मतलब वो खेल रहे हैं ना आज, आजकल उनको मिलता नहीं है, जगह नहीं मिलती है, तो फिर वो यहाँ से आके खेलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ईशान शर्मा हैं जिनके और इसके साथ वार्म अप शुरू हो चुका है। मैच जो कि शुरू करने जा रहे हैं, टच इन मिलेगा जो कि पहली स्ट्राइक लेंगे, टच करेंगे इस समय वेल स्टार्ट करेंगे। जिनके खिलाड़ी हैं मोरे मोर, आज क्या वो मोर गोल मार पाएंगे आपके सामने हम दोबारा से दिखाने लगे हैं। मैच का सीधा प्रसारण जो कि यूरो कप 2020 में हम 2 घंटे पहले दिखा रहे हैं, 1.5 घंटा पहले सामने है। दोबारा से बोली अपना दोबारा से स्ट्राइक ली है, पहले गेंद को लेकर आगे पड़ेंगे नहीं, मिडफील्डर खेल रहे हैं वेल्स की तरफ से, वेल्स की गेंद, ये गेंद को आगे कराए सिर्वचिक कुछ किसके पास है भाई, मेरे को तो अभी ये नहीं समझ आ। और अब गेंद चली गई है इटनी के पास जो कि खेल रहे हैं स्विट्जरलैंड की तरफ से, स्विट्जरलैंड के पास स्ट्राइक है, स्ट्राइक को लेके वो मिडफील्डर की तरफ क्रॉस करेंगे नहीं, सीधा पास किया राइट आउट करेंगे, राइट आउट करने की कोशिश की नहीं, बैक पास खेला है। स्विट्जरलैंड के पास अभी भी गेंद है, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी याका फिर शारिकी को दी है, शारिकी काफी अच्छे प्लेयर है, जारिका को देंगे, जारिका इटनी को देंगे, इटनी को देने की गेंद पर ये आ गई है जारिका के पास, जारिका ने सेंटर किया है, सेंटर करके ये बहुत अच्छा मारा है, गेंद गोल से काफी दूर थी, गोल नहीं लग पाया इस गेंद पे। अब दोबारा से वेल्स के पास गोल किक थी, वेल्स ने आगे प्रोफाउट कर दिया विलियम को, विलियम गेंद दे दिए अपाडू को, अपाडू को ने गेंद को दे रहे हैं रामसे को, रामसे ब्रदर्स जो कि आप बहुत ही अच्छे जानते होंगे, रॉबर्ट्स गेंद को आगे लेके जाएंगे, गेंद को वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाए, गेंद दोबारा से छिन गई है मिल चुके स्विट्जरलैंड के पास, स्विट्जरलैंड के जारिका गेंद को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज देखना है क्या स्विट्जरलैंड आज मैच को जिता पाएगी, क्या यहाँ से वेल्स गेम में ले जा पाएंगे, आपको जानने में मैं बताऊंगा कि एक बार वेल्स का सबसे अच्छा प्रदर्शन
वो सेमीफाइनल पहुंचे थे, क्या यही वो साल है जहां पे वो मैच जीतेंगे, यूरो कप जीतेंगे? पर मुझे नहीं लगता है। इस बार स्विट्जरलैंड थोड़ी ज्यादा ताकतवर दिख रही है क्योंकि अनडिफिटेड है पिछले 7 मैचों में। और ये दिया फाउल, फाउल के साथ ये मिलेगा, कोई नहीं कार्ड नहीं दिया, रेफरी ने ऐसे ही समझा समझू के भेज पीछे भेज दिया है। ये स्विट्जरलैंड का साइन है और इसी के साथ आप गेंद दोबारा से ध्यान से देखो, 15 नंबर जर्सी में कंगरा रनौत है। ओहो जी, इनकी नजर के ऊपर देखते हुए हमें पता लग रहा है कि कितनी पाकी नजर है, कहां से इन्होंने देखा कंगरा रनौत को। आजकल हर पंजाबी को कंगरा रनौत दिखाई देती है, हर किसी में हर तेज बोलने वाला, बेकार बोलने वाला कंगरा रनौत दिखाई देती है हर पंजाबी को, क्योंकि वो अगर है ही ऐसी है। और इसके बाद एक बार फिर से गेंद रोडीज इगो के पास, गेंद चली गई है रोडीज इगो, जब तक सेंटर करते गेंद छीन गई है। बहुत अच्छी डिफेंडिंग करी है, ये डिफेंडिंग वेल्स की काफी अच्छी थी वेल्स के। फिर दोबारा से स्विट्जरलैंड के हाथ में गेंद, पर क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है और बहुत प्यारा बचाव किया है गोलकीपर ने। गोलकीपर के हाथ में गेंद है, गेंद को फिर दोबारा ये बोलिंग करते हुए आगे गेंद दे दी है। एम्बाडू के पास गेंद है, एम्बाडू गेंद को कहां तक पहुंचाते हैं, ये अब गेंद पहुंच गए रामसे, रामसे के बाद रॉबर्ट्स के पास गेंद है, रॉबर्ट्स अब कोशिश करेंगे, फिर दोबारा रामसे के पास गेंद दी है। ये मिडफील्डर के पास गेंद जा रही है, पर नहीं, बहुत प्यारी चीनी जायकरा के पास गेंद है, मिडफील्डर जो कि काफी उम्दा खेल रहे हैं स्विट्जरलैंड के, गेंद छीनने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, वेल्स पर गेंद नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें व्हाइट्स में वेल्स के, व्हाइट्स में स्विट्जरलैंड खेल रही है और रेड में आपके सामने वेल्स खेल रही है। और ये स्विट्जरलैंड के सेंटर करने की कोशिश करी है, पर हेडर मारा है, हेडर काफी दूर, गोल होने का चांस नहीं यहां पर, और काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। इस समय 6 मिनट का मैच हो चुका है, सामने वेल्स दोबारा से गेंद को लेकर आगे चलाएंगे, गेंद मिल चुकी है और बहुत प्यारा फॉरवर्ड किया है, गेंद को थ्रू पास मिला है, क्या यहां से पॉइंट मिल पाएगा, क्या यहां से गोल मच पाएगा, देखना ऊपर, नहीं 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 यहां पे थोड़ा सा पीछे रह गए, गेंद चली गई है गोलकीपर से बाहर, दोबारा से स्ट्राइक आ चुकी है, पोजेशन आ चुका है। स्विट्जरलैंड के पास अब मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा प्रेशर बना पाई है, दो गोल की तरफ कोशिश करी है, पर पेनिट्रेशन नहीं कर पाई, गोल तक पेनिट्रेशन नहीं कर पाई वेल्स। मुझे लगता है आज का मैच भी ऐसा ही रहेगा, वेल्स जो है कि बहुत उम्दा खेलती है, मुझे नहीं लगता। फिर दोबारा गेंद छिन गई है, गेंद बिल्कुल डी के बाहर ही छिनी है, मुझे लगता है खतरनाक हो सकता है, गेंद दोबारा पकड़ा दी है और ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी इटनी गेंद को लेकर जा रहे हैं, पहला ही गोल की तरफ कीपर ने उसको कर दिया है। अब ये गेंद दोबारा से मिल चुकी है, गेंद मिली है शरीकी को, शरीकी गेंद को आगे लेकर चलेंगे, यहां से देख रहे क्या गोल की तरफ बना पाएंगे, नहीं, यहां फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं। पाले के पास गेंद है, पाले क्या करते हैं, पाले से गेंद छीन सकती है और ये गेंद छीनी गई है रोड्रिगो ने इटनी को दी है, इटनी गेंद को लेकर आगे चलेंगे। कल वाला नहीं लग रहा था, अब वाला लग रहा है, अब वाला पर तेर तू कमजोर लग रहा है इसमें, पर ये गेंद छिन चुकी है, गेंद छिन के दोबारा से रॉड्रिगो के पास गेंद है, वो सेंटर करेंगे, सेंटर करने की कोशिश करिए, सीधी चली गई है गोलकीपर पास, क्षति नहीं हो पाई इस गेंद पे। फिर दोबारा ये हानिकारक हो सकता है क्योंकि गेंद बिल्कुल डी के बाहर मिली है, गेंद ये बहुत अच्छा प्यार किया, अरे आग लगा दी। स्विट्जरलैंड के खिलाड़ियों का बहुत प्यारा गोल जो कि गोल मिला है। इस समय स्विट्जरलैंड 1-0 से आगे हो चुकी है, वेल्स जो कि बहुत ही मुश्किल से पेनिट्रेशन भी नहीं कर पा रही है, मुझे लगता है आज मुश्किल हो सकता है वेल्स के लिए जीतना। वेल्स के हाफ में गेंद है, अभी तक ज्यादातर वेल्स के हाफ में गेंद रही है और स्विट्जरलैंड के हाथ में पोजिशन रहा है, क्या यहां से मैच चेंज होगा, गेंद छीनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सेंटर करने बैक पास, फिर मिडफील्ड पास किया, क्या यहां से थ्रू पास बनेगा और बहुत प्यारा थ्रू पास है, ये होनी चाहिए थी, ऑफसाइड नहीं हो पाई, पर गेंद छिन गई और ये करा है क्लियर और कॉर्नर मिलेगा वेल्स को, नहीं थ्रो इन मिला। ओ बहुत प्यारा बचाव,
and Cher. Shaqiri. 13 मिनट हो चुके हैं, अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि पेनिट्रेशन नहीं कर पाई है वेल्स। स्विट्जरलैंड के एक और खतरनाक मौका हो सकता था, गेंद काफी दूर गई गोल से, आराम से बटन देखने दिए अगर, और इसी के साथ रॉड्रिगो को येलो कार्ड मिला है, इसी के साथ उनका राशन का इंतजाम हो गया है, जैसे जैसे येलो कार्ड मिलता जाएगा राशन का कार्ड भी मिलता जाएगा उन सबको। और ये गेंद छीन गई है दोबारा से स्विट्जरलैंड के हाथ से, अब गेंद दोबारा स्विट्जरलैंड के हाथ पे, अटैक है अटैक, मिडफील्डर लेके चल रहे, गेंद जा रही है स्विज को, ये बहुत अच्छा हो सकता है, सेंटर किया, सेंटर करके पर गेंद छीन गई है, क्लियर किया, बड़ा कमजोर क्लियर था वेल्स का, बहुत ही पार, ये मिलेगा कॉर्नर, कॉर्नर मिलेगा जाया, कॉर्नर सीधा लेंगे नहीं, ये दिया, क्लियर करा है वेल्स के खिलाड़ी पर, गेंद अभी भी स्विट्जरलैंड के पास, शरीकी के पास, बार कुछ कह नहीं सकते, शायद मुंह बना सकते हैं, ये मुंह बन गया चेरिका का, चेरिका ने सीधी गेंद मारी पर गेंद चली गई है गोलकीपर से बाहर, गोल से बाहर, खतरा टल चुका है, अभी भी गेंद वेल्स के हाफ में थी, गेंद फिर दोबारा छीन गई, गलत पास, अच्छा इंटरसेप्शन कर रखे हैं, कोई बात नहीं, गेंद चली गई बाहर, गोल थोड़ी इस समय वेल्स के हाथ पे, वेल्स इस समय हार चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है वेल्स काफी हद तक पिछड़ चुकी है इस मैच के अंदर, क्या यहां से वापसी कर पाएगी, गेंद मिल चुकी है रॉबर्ट्स के पास, रॉबर्ट्स गेंद को लेकर आगे चलेंगे, यहां से देखना कि क्या मैच को चेंज कर पाएंगे, नहीं गेंद दोबारा छिन गई, रॉड्रिगो के पास गेंद है, गेंद दोबारा से लेके एटनी के पास गई है, एटनी दोबारा से सेंटर करेंगे, नहीं थ्रू पास नहीं दिया, बैक पास दिया, फिर थ्रू पास मिला, ये हानिकारक हो सकता है, और ये बहुत प्यारा बचाव किया है, हाथ से लग के गेंद चली गई थी डिफेंडर के हाथ पे, नहीं तो वहां पे मौजूद थे एक खिलाड़ी जो कि कर सकते थे गोल, जो कि हो नहीं पाया, रॉबर्ट्स, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है आग लगा दी है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी ने, फील्ड में आग लगा दी है, वेल्स के पास कोई मौका नहीं है, और ये बहुत प्यारा डिफेंडर, नहीं इसको मिलेगा क्या, मिल रहा है एम्पायर आया कुछ कह के नहीं गया, रेफरी ने बोला बस भाई, अभी मैं तेरे को कुछ नहीं कह रहा पर आगे मैं बोलूंगा, श्री की विलियम के पास गेंद है, वो आज सेंटर मिडफील्ड सेंटर डिफेंडर है, गेंद अब राइट आउट से मिडफील्डर के पास गई है, राइट इन जाएंगे, यहां पे क्या राइट इन खेलेंगे, नहीं जीती लगी गेंद, गेंद चलेगी गोल किक के बाद, यहां से दोबारा सेंटर इन कॉर्नर मिलेगा वेल्स के हाथ में, वेल्स अभी तक पेनिट्रेशन नहीं कर पाई है, ये पहला ही पेनिट्रेशन हुआ है, मुझे लगता है यहाँ पे अगर गोल मिल जाता तो मुश्किल हो जाएगी स्विट्जरलैंड के लिए, और ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी बहुत ही चुस्त तरीके से दोबारा क्लियर कराए, गेंद दे दिए दोबारा मिडफील्डर के पास है, अब स्ट्राइकर लेके गेंद को जा रहे हैं जो कि जरीका, जरीका गेंद को वापस करती है, जरीका के पास गेंद आ गई है, माबू के पास गेंद गई है, माबू गेंद को आगे पढ़ाया, जरीका को दोबारा दिया, ये मूव जो बन रहा है राइट आउट से बन रहा है, राइट आउट से क्या सेंटर करेंगे, सेंटर करना जरूरी है, ये सेंटर करा है, सेंटर पर बीच में ही इंटरसेप्ट किया है वेल्स के खिलाड़ी ने, वेल्स के खिलाड़ी मोरे के पास गेंद है, मोरे गेंद को लेकर आगे बढ़ेंगे, नहीं बीच में इंटरसेप्ट किया याका ने, याका ने गेंद को दोबारा दिया, याका बहुत ही उम्दा, और ये क्लियर मिला और ये गोल होना चाहिए, ओ स्विट्जरलैंड के दो गोल, वेल्स जीरो पे खेल रही है, शरीका का ये बहुत प्यारा गोल था, और इसी के साथ बाले के पास गेंद, बाले गेंद को आगे पहुंचाएंगे, मुझे लगता है 2-0 से जीतेंगी स्विट्जरलैंड, ये देखना बहुत जरूरी है, पर 21 मिनट हो चुके हैं, अभी भी 70 मिनट का मैच बचा हुआ है, फिर दोबारा गेंद छिन गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि गेंद वेल्स वाले स्विट्जरलैंड के हल ले जाना ही नहीं चाहते, गेंद छिनी दोबारा से, गुड इंटरसेप्ट, बेले के पास गेंद है, बेले किसको देते हैं, बेले दी मुरी को, मुरी मुरी पर बहुत प्यारा इंटरसेप्ट किया है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ियों ने, स्विट्जरलैंड का बहुत प्यारा आज मूव बना रहे हैं, और यहां पे एक और मूव बन सकता है, ये गेंद मिल गए, एक और गोल,
तीन गोल खा चुकी है इटली, यहां पे चेंज नहीं हो सकता। So they restart the game and only one team in it. And since they have the ball, a referee playing advantage here. एडवांटेज मिली है इस समय भी वेल्स के हाथ में, वेल्स के यहां गोल कर पाएंगी ये देखना जरूरी है क्योंकि चार डिफेंडर पीछे पहुंच चुके हैं, तीन मिडफील्डर भी पहुंच चुके हैं, सिर्फ दो स्ट्राइकरों के बाहर है। क्या यहां पे गोल बना पाएगी? अच्छा मूव, बिल्कुल टी के अंदर है पर नहीं, गलत पास दिया, इंटरसेप्ट किया स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी ने, पर फिर भी गेम टला नहीं है, रास्ता खतरा अभी भी है, डी के ऊपर गेम खेली जा रही है और ये बहुत प्यारा ऑफसाइड था, या ऑफसाइड था, ऑफसाइड था, ऑफसाइड था, अच्छा मूव था वेज के खिलाड़ियों का, इतनी देर बाद अच्छा पेनिट्रेशन मिला है, फिर दोबारा गेंद लेके आ रहे हैं, ये कंगना रेनॉट ही है जो कि खेल रही है, वो बहुत प्यारा क्लियर मिला, नहीं 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 नहीं, साथ में मार्क टू मार्क मार्किंग होने के साथ गेंद छिन गई। धृतपाल बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि कहां से गोल निकाल पाए वेल्स के लिए, आज वेल्स के लिए बड़ा मुश्किल समय है, गेंद अभी भी साथ में ही हाथ में ही है और ये छिन गई। चलो शुक्र मना रहे हैं, बिल्कुल पास में दिया, क्या यहां तूफानी करेंगे? नहीं, तूफानी तो हो ही नहीं सकता। गेंद छिनी स्विट्जरलैंड के खिलाड़ियों ने, दोबारा से गेंद ले ली और ये बहुत अच्छा क्लियर मिलता था, बिल्कुल डी के ऊपर मिला, पर गेंद वापस लेके विलियम जा रहे हैं, विलियम गेंद को दे रहे हैं कंगना रेनॉट को जो कि एम्पादू के नाम से खेल रही है आज। राम से ब्रदर ने गेंद क्लियर करा बाले को, बाले यहां से सेंटर करेंगे या सीधा गोल के पास जाएंगे, डी के पास, और ये सेंटर किया, सेंटर करने की कोशिश की पर बहुत अच्छा क्लियर किया स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी ने, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी सही जगह पे सही समय पे पहुंचे होते हैं, यही सबसे बड़ी बात है, तभी वो 3-0 से आगे चल रहे हैं, दोबारा से गेंद लेके चल रहे हैं, यहां पे गेंद पहुंच चुकी है जारिका, जारिका गेंद के पास, टी के अंदर पहुंच चुके हैं, सेंटर करने की कोशिश की, बहुत अच्छा इंटरसेप्ट, गेंद दोबारा पहुंच चुकी है, स्ट्राइक करेंगे, काउंटर स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं वेल्स के खिलाड़ी, वेल्स के खिलाड़ी अगर काउंटर स्ट्राइक करते नहीं कर पाए, दोबारा गेंद पहुंच चुकी है स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी इटनी के पास, इटनी गेंद को लेकर आगे चलेंगे, जाका के पास, जाका आज डिफेंडर से मिडफील्ड पर आ चुके हैं, पीछे से काफी आगे आया, रन कराए, काफी खिलाड़ी इस समय मौजूद है और ये दोबारा से पहुंच चुके हैं, गेंद मिलती है रॉड्रिगो, रॉड्रिगो जो अभी तक येलो कार्ड लिया और ये खतरनाक हो सकता था, नहीं बहुत प्यारा क्लियर किया पर ये मेरे को लगता है येलो कार्ड और पेनल्टी मिली है, नहीं मापे का राशन का इंतजाम हो चुका है इस कोविड के टाइम पे, उनको राशन कार्ड मिल चुका है येलो कार्ड। सच्चर के पास गेंद, सच्चर कौन है भाई, डिफेंडर है मेरे ख्याल से, माबू के पास गेंद, माबू के सुवेज को दी है गेंद, गेंद को सेंटर किया और ये बहुत प्यारा क्लियर करा मैन टू मैन मार्किंग के साथ, रेड टी शर्ट ज्यादा होने के पास, अब ये बहुत प्यारा डिफेंडिंग, बहुत प्यारी डिफेंडिंग, बहुत प्यारी डिफेंडिंग, मुझे लग रहा है कि मैच यहाँ पे बना हुआ है। कुछ नहीं कर रहा, रियल डेंजर, वेल दैट इज हाउ टू प्ले एडवांटेज, दोबारा से सेंटर करने की कोशिश करी है, गेंद दोबारा से वेल्स के पास है, वेल्स के खिलाड़ी काफी कोशिश कर रहे हैं पर पेनिट्रेशन ज्यादातर वेल्स के ही डी पे हो रहा है, क्या यहां से मैच चेंज करा, फिर दोबारा बड़ा अच्छा इंटरसेप्ट आकांजी के पास, आकांजी गेंद को लेकर चलेंगे, सोविकू को दिया, सोविकू जकारा को दिया, जकारिया से गेंद दोबारा छीनने की कोशिश करी पर नहीं छीन पाए हैं वेल्स के खिलाड़ी, वेल्स के खिलाड़ियों के पास बहुत बहुत मुश्किल है, 3-0 से पिछड़ रहे हैं, क्या यहां से मैच चेंज कर पाएंगे, 31वां मिनट चल रहा है और एक और मूव मिल रहा है, ये गोल होना चाहिए, 4-0 से बाहर हो चुकी है वेल्स आज के मैच के अंदर। देख वो स्टॉप करके देख, देख तो सही, देख तो सही करके देख, मैच सेटिंग करके देख, सच्चर के पास गेंद दोबारा से आ रही है, जकारिया जो कि बहुत ही उम्दा एक गोल कर चुके हैं, मुंबा को दे दिया, माबू को गेंद हो चुकी है, माबू गेंद को कैसे करते हैं, ये गोल है, गोल किक मिल चुकी है इस समय, और ये देखिए मुझे लग रहा है स्विट्जरलैंड का यही करेगी, और बहुत अच्छा क्लियर मिला, यहां पे गोल होना चाहिए, सीधी गेंद
गोलकीपर को लगी है। मुझे लगता था यहाँ पर गोल होना चाहिए था क्योंकि एक गोलकीपर को ही बीट करना था। कहाँ यहाँ पे गोल हो पाएगा? नहीं, ऑफसाइड। मुझे क्यों मार रहा है? देख तो सही, आउट करके देख तो सही। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोशिश तो कर, सेटिंग पे जा। अरे रुक, उसी को लगा, ऊपर का बटन दबाइए वाला। एक एक करके बटन दबा, एक एक करके। क्लियर बार, स्पीड, एक्सेलरेशन, गेंद अभी भी स्विट्जरलैंड के हावी है। हाफ हो चुका है और चार गोल कर चुकी हैं। यहाँ पे एक और गोल करने की कोशिश है, नहीं क्लियर करा। गेंद अभी भी वेल्स के हाफ में है, गेंद इम्पार्टू के हाथ में, और गेंद फिर दोबारा छिन गई है, फिर दोबारा। अरे यार, बहुत प्यारा खेल दिया स्विट्जरलैंड, मौका नहीं बन पा रहा है, क्यों खेल रहा है। और ये अच्छा क्लियरेंस था, पर गेंद को इंटरसेप्ट करा, गेंद चली गई गोल लाइन के पार, और यहाँ से गोल की कॉर्नर मिला है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड ने ट्रैक किट की, अब चली गई बाहर। मुझे लगता है दोबारा से कॉर्नर होगा। और ये कोशिश करी, पीछे गेंद को करा, अरे मिल गई गेंद। क्या वेल्स यहां से क्लियर करेगा? नहीं, अभी भी गेंद खतरा टला नहीं है। यहां पे स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी अभी भी है, पहुंचे हुए हैं, गेंद को बार करना है। ये गेंद मिली है राम से को, राम से गेंद को किसको पकड़ाते हैं? बहुत प्यारा क्लियर किया है आगे। अरे नहीं, बड़ा ही नीरस मैच खेला गया है आज का पहला मैच। मुझे लगता था कि थोड़ा क्लियर करेंगे, पर बड़ा ही अबे क्या किया है। और बहुत प्यारी सेव करी है डिफेंडर ने, बहुत प्यारा स्लाइड करके गेंद को सीधा पहुंचा दिया है गोलकीपर के पास। ये क्या किया? नहीं करना, मानना ऐसे हार नहीं मानते। और ये गेंद दी है, क्लियर करिए, गेंद सीधी गई है गोलकीपर। गेंद तो मुझे ऐसे लग रहा है रात वाला ही सीन चल रहा है, जो रात को टर्की के साथ हालत करी है, हैं? और दोनों की ड्रेस भी ये सेम है। बॉल क्या देंगे? वो तू लेगा तो ही बॉल लेगा ना, छीन के आगे पूछा। शुक्र मनाना चाहिए, यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं दिया। सीधी गोल किक लेंगे, गोल किक गई है गोल पोस्ट से ऊपर। और ये फिर दोबारा बहुत प्यारा डिफेंडिंग, बहुत प्यारी डिफेंडिंग। यहाँ पे स्लाइडिंग शॉट देने का मतलब था कि पलेंटी कॉर्नर मिल जाता, पलेंटी मिलती पर नहीं, बहुत प्यारी डिफेंडिंग करी है। आप देख रहे हैं कि क्या होता है। इम्पार्टू के पास गेंद है, कंगना निरोध है ये। आज गेंद फिर दोबारा छिन गई, ये गेंद छिन के तो ऐसा लग रहा है स्विट्जरलैंड तो कोशिश ही नहीं कर रही। स्विट्जरलैंड को आराम से गेंद मिल जाती है। थोड़ा सा और जोर से मारता, और देखो सोमर जो कि स्विट्जरलैंड के गोलकीपर। ओ बहुत प्यारा क्लियर मिला तेरे को, और ये गोल पहला मौका मिला था आज वेल्स को, वो भी गलती किसकी थी? गोल की पर। ये पहला शॉट था ये मेरे ख्याल से तेरा पहला। रोड्रिगेज
Zakaria. And on the ball is Cher. Granit Xhaka. Overcooked that one. जाने दे सीधी जा रही है. बहुत प्यारा मूव बनाया था पिछला. अरे यार ये क्या किया है. कंट्रोलर खराब नहीं है तेरी, आज किस्मत खराब है. अब ये सेंटर करेगा, गोल हो जाएगा यहाँ पे. बहुत अच्छा क्लियर. आगे लेके चल, आगे लेके चल पहले. अब कर, चल 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 सीधा सीधा. गोल, पहला गोल करा है वेल्स ने, पहली शत. वेल्स का पहला गोल करा है, बहुत प्यारा वेल्स का गोल. यहाँ पे क्या वापसी मार सकते हैं ये देखना जरूरी है वेल्स के हाथ में. वेल्स जेम्स 45 मिनट्स में बहुत उम्दा गोल मारा है. 2 मिनट की अभी इंजरी टाइम मिला है, जो कि बहुत ही उम्दा गोल मारा है. मुझे नहीं लगता कि ऐसा गोल तुम्हारा देखने को मिलेगा. स्विट्जरलैंड के हाथ में बाबू के पास, बाबू के गेंद और पे ऑफ साइड मिली है भाई, ऑफ साइड मिली है. मुझे लगता है इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हुआ है. गेंद मिली है राम से रॉब किसको करते हैं, नहीं बहुत पूरी तरह गिरे हुए थे दो खिलाड़ियों से. जाकारी का पास कहता है, जाकारिया किसको देते हैं, जाकारिया गेंद को लेके आगे चल नहीं रहे, बैक पास दिया. गेंद अब इसी के साथ चैलेंज पे येलो कार्ड मिला है, येलो कार्ड के साथ ही फाउल मिल चुका है डेविस को. डेविस जा चुके हैं बाहर, 2 येलो कार्ड हुए, रेड कार्ड हो चुका है, रेड कार्ड की वजह से डेविस जा रहे हैं बाहर. और अब खेलेंगे 10 से व्हील्स. पहले पीछे चल रही थी और इसी के साथ वापसी सीयर टाइप. नहीं आए 3 मिनट से कम है, कोई कॉपीराइट और बहुत ही उम्दा मैच देखने को आपको मिला है. जरा आप देखेंगे 4 गोल कर चुकी है स्विट्जरलैंड और इसके बदले में 1 उम्दा गोल करा है वेल्स ने, जो कि मैनुअल ने करा है. अभी एआई जो हम वर्ल्ड क्लास में खेल रहे हैं, मुझे लगता है यहां से मैच निकालना थोड़ा सा मुश्किल है. क्या मैच चेंज कर पाएंगे इस समय देखना बहुत जरूरी है. क्या यहां से मैच चेंज होगा, आप दोबारा से राइट टू लेफ्ट खेलेंगी स्विट्जरलैंड और लेफ्ट टू राइट खेलेगी वेल्स. वेल्स रेड कलर में खेल रही है आज. वेल्स की क्या तूफानी यार, पर नहीं उतना ही स्विट्जरलैंड का तूफानी गेम खेल रही है. गेंद मिल चुकी है इस समय सारिको को, सारी कही गेंद गेंद को लेके सेंटर करने को, रॉड्स के पास है, रेडी के बिल्कुल जस्ट गोल के पास है, गोल पोस्ट के पास. एंटर करेंगे, एंटर करके सेंटर कराए, सेंटर करने के बाद ये हेडर मारने की कोशिश, क्लियर किया बहुत प्यारा, अच्छा क्लियर. वेल्स के पार्टू का दोबारा गेंद को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी गेंद है स्विट्जरलैंड का और ये बहुत प्यारा उम्दा गोल पास से निकला और इसी के साथ आग लगा दिया, आग लगा दिया टर्फ के ऊपर, आग लगाती है वेल्स. काफी उम्दा अच्छा खेलती हुई. ये गेंद को आगे क्लियर करेंगे, मुझे लगता है क्लियर करेंगे नहीं, ये गेंद छिन गई स्विट्जरलैंड के हाथ से. गेंद और ये बहुत प्यारा राम से का, बहुत प्यारी क्लियर करी है राम से. गेंद को आगे लेके चल रहे हैं सेट, फिर दोबारा छिन गई और ये पास छीना, वो बहुत प्यारा छीना कंगना रिरौत ने आंपडू और ये दोबारा कंगना रिवाज के पास है, गेंद को लेके चल रहे हैं पर नहीं और गेंद को बहुत अच्छा क्लियर करा, नहीं कर पाएगा. अगर उसके साथ मैन मैन वॉकिंग करेंगे, नहीं करेंगे, सीधा शॉट और ये सीधा शॉट के पास की और ये बहुत अच्छा बचाव था. ओह
आग लगा दी है। स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी काफी स्ट्रॉन्गली खेल रहे हैं, अटैक किया दोबारा से वेल्स के, पर उनके गोलकीपर ने काफी अच्छा खेला है। रामसे के पास गेंद है, रामसे गेंद को नहीं दे पाए और नहीं दोबारा से छिन गई गेंद जकारिया के पास है। जकारिया सेफ्रिको को, इम्बोलो को दी, इम्बोलो से गेंद छिनती पर ये फॉल दिया, किसके हाथ से फॉल हुआ, चल चलो पीछे चलो चल भाई, फॉल दिया, पांचवा फॉल वेल्स का, वेल्स फॉल के मामले में सबसे आगे है। अभी नहीं, अभी आज को तो देख के, अरे ये बहुत खतरनाक हो सकता था, गेंद के साथ चल रहे हैं और ये सीधी गेंद चली गई, शॉट नहीं दिल पाए, बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग, गेंद के साथ ही क्लियर करा था, गेंद के साथ चले थे। राम से लेके गेंद, अकेले ही जाएंगे क्या, पहुंच चुके हैं अब स्विट्जरलैंड के पास, तो पास पहले मारता ना, बहुत प्यारी, अरे नहीं इसको येलो दे दी, रेड कार्ड दे दिया और एक और बंदा बाहर हो गया, रेड कार्ड दिया, एक और बंदा बाहर हो गया। मुझे तो लग रहा आज वेल्स, धीरे धीरे कम ना हो जाए, अरे बहुत प्यारा क्लियर है यार, एक बॉल मर सकता है उस पे, जाने दे जाने दे, को आगे बढ़ाए रखता ना यार, अरे यार ये कंगना रोहत तो काफी डिफेंडिंग में भी पीछे आ गई जल्दी, मत करियो ऐसे, बहुत प्यारा क्लियर था, चिंता यार, अरे पकड़ ली, आराम से जाने दे, राइट आउट से कर, हाँ यहीं से कर, यहाँ से मूव बना, वहां पे है नहीं खिलाड़ी, अबे रॉबर्ट से गेंद कैसे छिल्ली, यहां से मूव बनाना बहुत आसान है, अरे ये क्लियर, ओ तेरी, रामसे के पास गेंद थी पर एक गेंद फिर दोबारा छिनी, स्विट्जरलैंड कोशिश कर रही है गोल पे गोल दागने की, काउंटर पे काउंटर अटैक हो रहा है, गेंद तो वेल्स के हाथ से जा ही नहीं रही बात, और ये क्या दिया है, ये ऑफसाइड हुआ, अरे कम से कम उनके हाथ में तो खेलो, हाँ ये वाला देख, सीधा जा उसके साथ, खिलाड़ी के साथ क्यों टकराया, थ्रो इन वेल्स के हाथ, विलियम्स बस ऐसे रख यार, आगे दे आगे दे, इसको इससे दे दे, हाँ इसके पास क्लियर होगा, दूसरे को दे, अरे यार शकीरी important facet of his play holding the ball up and waiting for support, bahut pyara defending, bahut pyari defending wahi pe the, chal seedha hi chalta ja tu chalta ja, abhi andhe dimag ke real embolo, aaj lag raha hai jeet hi payegi, bas theek hai, center karenge, डिफ्लेक्शन के बाद से गेंद सीधी गेंद चली गई, वहां पे खड़े खिलाड़ी के पास, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी के पास 5-1 से आगे हैं, यहाँ पे मैच निकालना मुश्किल है, मुझे लगता है आज वेल्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो पाएगा, कर दे वहीं से होगा, देखा स्टॉप करके वहीं पे जा, सेटिंग्स पे जा, वो कैंसिल मत कर, उसको कर, स्टूपिड गेम प्ले, यूजर गेम प्ले, स्प्रिंट यूजर यूज, इसकी कम कर दे, सब कम कर दे,
हाँ बढ़ा दे बढ़ा दे बढ़ा दे सब बढ़ा दे, वो भी बढ़ा दे, वो भी बढ़ा दे, पास भी बढ़ा दे, कम से यहाँ से मैच तो जीत पाओगे। यूजर है तू, तू अपनी बढ़ाएगा कि वो करेगा, ये भी हाँ बस 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 पास एरर कम कर, ठीक है देखते इससे कोई बेनिफिट मिलता तुझे। सेफेरोविच नहीं, गेंद बहुत ज्यादा वापस करने की कोशिश करी है, चलो आगे चलो, हाँ बहुत प्यारी स्लाइडिंग। विलियम्स बहुत अच्छा कैमरा वर्क लग रहा है ना यहाँ से, गेंद मिल चुकी है इस समय रॉब एम्बलो के पास है, एम्बलो के शॉट लेंगे और ये सीधी गोल पे, एक से पिछड़ रही है, छी एक से, क्या यहां से मैच में गोल कर पाएगी, क्या वापसी कर पाएगी, ये देखना जरूरी है। वेल्स नहीं, वेल्स को बहुत बुरी तरह पीटते हुए, नहीं नहीं दीपल नहीं, मैच को चलने दो, लाइव चल रहा है, सेटिंग भी नहीं कर सकते आप, मैच में हारना भी सीख लो। पास एरर क्यों नहीं कर रहा, पास एरर भी करते नीचे और देख क्या क्या है, प्रिंट कम कर दे, चल चल आगे कर, ये जीतना चाहता चाहे जैसे मर्जी जीते। ये आगे क्लियर करी सर्विक को, गेंद है सर्विक ने गेंद को पकड़ा दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा इससे। अरे ये गोल लाइन से क्रॉस थी यार, दोबारा लेके गया, ये मुझे लगता है एक्शन रिप्ले होगा, क्या यहाँ से सीधा क्रॉस लेंगे, शॉट लिया है, शॉट वापस मिल चुका है, हेलसिंग के पास है, हेलसिंग की गेंद को आगे रोंडन को दिया, रोंडन गेंद को आगे पकड़ाएंगे, रोंडन के पास गेंद, जेम्स के पास है, जेम्स गेंद को लेकर चल रहे हैं एम्पलीडू के पास, एम्पलीडू गया यहां से कर पाएंगे नहीं, हां जी बोलो, हां जी बोलो, क्या आ रहा है, हेलो क्या कह रहे हो, गप्पा मार रहे हैं, फोन रखो, मैच लाइव चल रहे हैं, स्ट्रीमिंग चल रही है, हाँ लाइव चल रहा है, चलो अच्छा रखो फोन, चलना ठीक तो था, अब गोल नहीं कर पाएंगे वो, चल चल कोशिश करता रहे, हारेगा ही ना जिंदगी में, हार को कोई इतना क्यों कर लेता है, कोई नहीं कोशिश तो कर, दोबारा गेम बना, चल आगे चल, उसको दे आगे दे पास, इसके पास पास आया, चल अरे यार क्या कर रहा है यार, वो तो मुझे भी पता है ऐसे कोई नहीं हारता, कोई बात नहीं क्लियर कर, कोशिश कर, आराम से खेल, जल्दबाजी पे मत खेल, सिंपली हारेगा ही ना, कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता, गेम में हार जीत चलती रहती है, हारने के लिए भी तो बंदा चाहिए होता है, जीतने के लिए अगर एक बंदा चाहिए तो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छी क्लियरेंस थी, गेंद छीन, बस कोशिश ये कर गेंद छीनने की, हाँ बस आगे तेरे पास गेंद,
पोसेशन अपने पास रख, आगे पहुंचा, ये क्या करता है ये, अब तेरे पास आ गई है ना गेंद, पहले इनके खिलाड़ी को जाने दे। थ्रू पास दे, ये देखियो हाँ तो ऐसा ही है, स्विट्जरलैंड के साथ मैच था ये वेल्स का, और वेल्स मुझे लगता है आज तो मैच जीत ही नहीं पाएगी। और ये क्या किया रामसे के पास से एक और येलो कार्ड, और इसी के साथ राशन का इंतजाम होता हुआ इस कार्ड के साथ रामसे के घर पे हैंसली। तू अपना गोल कर पा, तेरे पहले ही खिलाड़ी कम हो चुके हैं, दो खिलाड़ी कम खेल रहा है तू, तभी तू पैशन नहीं बना पा रहा। आगे कर, आगे कर, हाँ इसको दे, आगे दे, हाँ बहुत प्यारा क्लियर है, आगे चल, आगे चल गोल के लिए, ये और ये गोल, बढ़ भाइयों बहुत प्यारा, क्या यहां से वापसी हो पाएगी, यहां पे देखना बहुत जरूरी है, क्या वे इस वापसी कर पाएगी। पास तो अच्छे कर रही है, अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है पास उनके अच्छे हैं, चल चल आगे, नहीं नहीं येलो कार्ड, इसी के साथ सात वेल मूरी को भी मिल चुका है येलो कार्ड, पूरे खानदान को आज जो भी खेल रहा है ना उन सबके राशन कार्ड पक्के हो जाएंगे। ये क्या कर रहा है, ऐसे मत ले, नहीं कर पाएंगे गोल, चिंता मत कर, अभी ये क्या किया, थ्रो इन इस समय स्विट्जरलैंड के हाथ में, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रॉबर्ट्स और शारिकी गेंद को लेकर आगे चलेंगे, क्या करेंगे, सेंटर करेंगे, सीधा गोल किक के लिए जा रहे हैं, ये गोल किक हो सकती है पर नहीं, ऊपर से निकल चुकी है, और उसी के साथ आग लगा दी है, अरे ये बहुत घटिया, और इसी के साथ सीधी मिल चुकी है, पर ऑफ साइड होना चाहिए था, ये ऑफ साइड है ये यार, अबे क्या हो गया, ऑफसाइड क्यों नहीं देख रहे, अब तू क्यों गलती कर रहा है, उनके इतने तो प्लेयर आगे आके खेल रहे हो, कुछ नहीं अभी एक और गोल होगा, आराम से खेल, अरे यार और एक कंगना रेनॉट को मिल चुका है रेड कार्ड, खुल गया वो गई बात, अब कितने लोगों से खेल रहे हैं, तीन चार पांच छह सात, सात लोगों से खेल रहे हैं, सात और आठ लोगों से खेल रहे हैं, तीन बंदे बाहर जा चुके हैं, अब यहाँ पे मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है गोल करना, आराम से खेल, फ्रस्ट्रेटेड मत खेल, दो गोल कर चुका तू, तीसरा भी करेगा आराम से, मुंह बनेगा तभी बना कर पाएगा, हाँ अपने पास रख, इनके खिलाड़ी वैसे ही ज्यादा हैं, तीन ज्यादा हो चुके हैं, मत करियो अभी, अभी तो तीन खिलाड़ी इनके ज्यादा ही है, तेरे तीन खिलाड़ी कम हुए तो, तू देख नहीं रहा डिफेंडिंग में एक ही बंदा खड़ा है, तभी तो गोल कर पा रहे वो, अभी तो कोशिश तो करता रहे, हार का मतलब थोड़ी ना होता, एक गोल करा है ना दूसरा भी होगा, हाँ तो कोई बात नहीं दोबारा हो जाएगा, ये देखियो क्या किया, कोई नहीं अपने पास रख, अपने पास रख, यार मिडफील्ड का बंदे जो है ना वो गेंद को आगे कर ही नहीं पा रहे, और तू फ्रस्ट्रेटेड होके खेल रहा है, चल गेंद मिल जाएगी, तूने अपना ना घटा दियो, अपने स्प्रिंट बढ़ा लेता, आज तो स्विट्जरलैंड ने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, क्या यहाँ पे गोल और पाएगा, ये देख
example of how to press. You can't really tackle like that and expect to get away with it. Booking to come, you would think. And the referee has determined that it is a bookable offence. I don't think you can think anything. इतने खिलाड़ी होने के बावजूद तूने सीधी गेंद ये. Using his physical strength to make sure he doesn't lose the ball. Chance here. अबे ये सीधा गोल हो सकता है, सामने हुआ है, ऑफ साइड था। चेंज करते अपनी स्प्रिंट बढ़ा, स्प्रिंट बढ़ा। अपने स्प्रिंट बढ़ा ले। ओ माय गॉड, क्या खेल रहा है तेजपाल आज स्विट्जरलैंड, जो कि आज तो बिल्कुल मुझे लगता है स्विट्जरलैंड का यही हाल होगा, स्विट्जरलैंड यही करेगी। 13 की वाचिंग हो चुकी है, तीन बंदे और आ चुके हैं, चार बंदे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज वेलकम टू द स्ट्रीम। आप जरा लिखकर बताइए कि आपको स्ट्रीम कैसी अच्छी लग रही है। अभी इसके बाद दोबारा स्ट्रीम स्टार्ट होगी, अगला मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा क्लियर करा है। ये सेंटर करने की कोशिश कर, सामने दे खिलाड़ी को, अरे बैक पास क्यों दिया। अरे इतने खिलाड़ियों के बीच में कहां तू गोल कर पाएगा, मूव तभी बन पाएगा जब पीछे रह जाए खिलाड़ी। This might be ideal for the counter. In behind for him to chase. That's the kind of shit. अरे यार तू पागल तो नहीं, आठ खिलाड़ी रह गए हैं, कम से 12 मिनट तो कर, रुक जा। जेम्स वैलेस को येलो कार्ड, इससे ज्यादा येलो कार्ड नहीं मिल पाएंगे, खिलाड़ी कम ही रह गए हैं। चल 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 आगे दे, चल 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 चल। आ यार क्या कर रहा है, अच्छे से गेंद छिन जाएगी, दे इसको, दे आगे, देता आगे, दे आगे, दे। कहां कर पाएंगे तू, आज नहीं अपनी कर पाएंगे। तू स्प्रिंट बढ़ा सकता है तो गोल कर सकता है, स्प्रिंट बढ़ा ले अपनी। ओए ओए यहां पे यार दे दो, क्या अंधे हो गए हो, दो दो बंदे रोक रहे हैं। ग्रैनिट जैका माइट बी ऑनटू समथिंग विद दैट बॉल नाउ, व्हाट कैन दे डू फ्रॉम हियर। अरे यार बहुत बड़ा थ्रो इन मिलेगा, थ्रो इन मिला गोल की, येलो कार्ड, इनको भी येलो कार्ड फाइनली। शेरिको को भी येलो कार्ड मिल चुका है, क्यों इतना रफ खेल रहे हैं, वो भी रफ खेलने शुरू कर दिया। आगे दे थ्रू पास दे, अरे यार बहुत ज्यादा, आज तेजपाल का दिन ही नहीं है इतना ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं करना, अभी 9 मिनट पड़े हैं, गोल करने की अभी भी कोशिश कर, मैच है, ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ बहुत प्यारा। अरे फाउल है, फाउल, अबे फाउल देता यार, कहां अंधा है ये अंपायर। मानिक दीप सिंह आया, थैंक यू वेरी मच, पर आप थोड़े लेट आए हैं, मैच खत्म होने में सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं, और वेल्स आज 2-6 से पीछे पिछड़ रही है, क्या यहां से मैच चेंज हो पाएगा। ओ ये क्या क्लियर मिलेगा, ये कौन कौन हो सकता है, नहीं क्या डिफेंडिंग है भाई, क्या डिफेंडिंग है। Ramsey onto Bale. Yeah, yaar apna hi remote hai. Granit Xhaka. And now it's with Embolo. He's enjoying space. Fernandez. Abhi apni se haar gaya. Intense pressure. Abhi mujhe de de phir. Can he put it away?
चलो तू कमेंट्री कर। इसमें से भागते कैसे थे? Ramsey couldn't keep it. Well, let's see if something comes of this. Deary me, a golden chance missed. It might come back to haunt him. ये क्या जाता है? You learn the script time and time again. इस समय तेजपाल हार रहा है। तेजपाल बहुत पूरी तरह हार रहा है। छह गोल कर चुकी है इस समय स्विट्जरलैंड। The attack continues. They're making considerable progress. Oh, big chance. स्विट्जरलैंड ने आग लगा दी। अबे ये क्या किया? आग लगा दी। अबे स्विट्जरलैंड का गोल देखिए। तो फिर मुझे दे दे। आज स्विट्जरलैंड 7-2 से जीत रही है, 7-2 से। मुझे लगता है कि आज का मैच स्विट्जरलैंड के हाथ में ही होगा, जो कि अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है 6:30 बजे। अबे क्या कर रहे हो, 6 मिनट रह गए। ले कर दी उसने किक। सेफेरोविच, अबे गोल नहीं हो पाएगा तू। लूजिंग पोजीशन, हाँ डीपी इसीलिए हार रहा है, तू नहीं आया। डीपी को ले आज ज्यादा ही चोट में खेल रहा था, वर्ल्ड क्लास मैच लगा दिया। चोट में बच्चों से ज्यादा चोट होगी उस बेचारे की। अरे वाह भैया, क्या डिफेंडिंग है, क्या डिफेंडिंग है। वो कह रहा, मानी कह रहा मैं हरा दूंगा। और ये फिर दोबारा गोल की कोशिश करी है। 3 मिनट अबे कम से कम गेंद तो दूर रख, अबे गेंद तो दूर रख। मतलब इतनी बुरी हालत हो चुकी है स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड ने खेलने से मना कर दिया। ये क्या होता है, ये कौन सी गेम होगी? तो कोई बात नहीं, कोशिश करता था। मैच में फिगर इशू है, ये सब कुछ फिगर से क्या परेशानी हो गई? जिंदगी में हाथ चीज चलती रहती है, कितनी बार समझाऊं? एम्पायर नहीं पिके हुए हैं आप खेल में वो। और बहुत प्यारा था यार ये, बहुत प्यारा। अरे अरे बहुत प्यारा, आगे चल आगे चल आगे देता। चलो कोई बात नहीं, थ्रो इन है और स्विट्जरलैंड की अब किसी समय भी मैच बंद खत्म हो सकता है। और इसी के साथ मैच खत्म हो चुका है, स्विट्जरलैंड जो कि मैच को हरा चुकी है। और इसी के साथ हमारी आज की स्ट्रीम यहीं पे खत्म होती है। किसके साथ, किसके साथ? हाँ इसके बाद, इसी के साथ हम 2 मिनट के लिए बंद तो करने दो, दोबारा चालू करूंगा। अबे नई स्ट्रीम बना पाऊंगा, नहीं होगी वो। मैं नहीं, मेरे को चेंज करने दे पहले चेंज करने दे, बंद करने दे 2 मिनट स्ट्रीम, दोबारा से चालू करेंगे। 5 मिनट का रेस्ट लेके दोबारा स्टार्ट कर, क्योंकि मुझे एक ही स्ट्रीम में 2 स्ट्रीम में नहीं चला सकता ना यार, हर एक की मार्केटिंग करनी।